मित्रों, पुनर्जन्म से जुड़ा विषय जितना रोचक लगता है उतना रहस्यमयी है। आप अगर कभी किसी से ये पूछेंगे कि क्या उसे उसका पिछला जन्म याद है, तो अधिकतर लोगों का जवाब नहीं में ही मिलेगा। पर हिंदू धर्म शास्त्रों में इसका जवाब हमें विस्तार से बताया गया है कि क्यों हमें पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। यही जानेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। मित्रों, पुनर्जन्म का अर्थ होता है कि एक बार फिर से शरीर प्राप्त होना। हिंदू धर्म के मुताबिक मनुष्य का मूल स्वरूप आत्मा है, न कि शरीर। पुनर्जन्म की अवधारणा कर्म के सिद्धांत पर ही आधारित है और जन्म और मृत्यु का चक्र हमेशा चलता रहता है। जब तक आत्मा का परमात्मा में मिलन नहीं हो जाता, तब तक ये क्रम चलता रहता है। मित्रों, जब भी मनुष्य धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म की कोई भी बात याद नहीं रहती। मनुष्य को अपना पुराना जन्म याद क्यों नहीं रहता? इसका उत्तर हमें गरुड़ पुराण के धर्मकांड के प्रेतकल्प अध्याय में मिलता है, जहाँ पर गर्भधारण से लेकर शिशु के 9 महीने की यात्रा का वर्णन मिलता है। इस अध्याय में कई और महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर भी समाहित है, जैसे शिशु गर्भ में कैसा महसूस करता है और उसके मन में क्या क्या बातें चलती हैं आदि। मित्रों, यहाँ सबसे दिलचस्प तथ्य ये है कि गर्भस्थ जीव को अपने पुराने जन्म का ज्ञान होता है और गर्भ के अंदर शिशु के मन में बहुत कुछ चलता है। वहाँ वो अपने पिछले जन्म को याद करता है और उम्र समाप्त होने पर शरीर का परित्याग करके ये सुनिश्चित करता है कि अब वो दूसरी योनि में आ चुका है। पहले वो सरक कर चलने वाला सर्प, फिर मच्छर और फिर उसके बाद अब्र नामक पशु बना था, अथवा जंगली सुअर की योनि में प्रविष्ट हुआ था। फिर गर्भस्थ शिशु को याद आता है कि उसने पिछले जन्म में कई दुखों, कष्टों और संघर्षों के साथ धन को एकत्रित किया था, लेकिन जिस अभिलाषा के साथ उसने ये सारा धन इकट्ठा किया, वो उसका इस्तेमाल भी ठीक से नहीं कर सका। फिर उसको याद आता है कि उसने भगवान की पूजा अर्चना भी ठीक से नहीं की, इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, जब जन्म के बाद मुझे पुनः मृत्यु को ही प्राप्त होना है, तो फिर मेरा जन्म क्यों हो रहा है? अगर संभव हो तो मुझे इस जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त करें। इसी पुराण में आगे बताते हुए भगवान विष्णु गरुड़ को कहते हैं कि माता के गर्भ में पल रहा शिशु ईश्वर से ये कहता है कि मैं इस गर्भ से अलग नहीं होना चाहता, क्योंकि बाहर वही सांसारिक दुनिया है जहाँ मुझे पाप कर्म करने पड़ेंगे। इस कारण बड़े दुख से व्याप्त हूँ, फिर भी दुख रहित होकर आपके चरण का आश्रय लेकर मैं आत्मा का संसार से उद्धार करूंगा। माता के गर्भ में पूरे 9 महीने शिशु भगवान से यही प्रार्थना करता है, लेकिन ये समय पूरा होते ही 6 मास के बाद शिशु का मस्तक नीचे की ओर तथा पैर ऊपर की ओर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में वह चाहकर भी इधर उधर हिल नहीं पाता। वह खुद को एक पिंजरे में बंद कर दिए पक्षी की तरह महसूस करता है। इसके बाद अपने आसपास गंदगी देख वह फिर से भगवान से प्रार्थना करता है और कहता है, हे भगवान, मुझे बाहर कब निकालोगे? सभी पर दया करने वाले ईश्वर, आप ही ने मुझे ये ज्ञान दिया है। 6वें माह से ही उसे भूख प्यास महसूस होने लगती है। वो अपनी जगह बदलने के लायक भी हो जाता है और इस दौरान उसको कष्ट भी होता है। इन कष्टों के कारण वह गर्भ में बेहोश हो जाता है। जीव की माता जो भोजन ग्रहण करती है वही उस जीव के लिए भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रसूति की हवा से जैसे ही वो श्वास लेता हुआ शिशु माता के गर्भ से बाहर निकलता है तो उसे किसी भी बात का ज्ञान नहीं रहता। गर्भ से अलग होकर वह ज्ञान रहित भी हो जाता है। इसी कारण जन्म के समय वह रोता है और अंत में भगवान विष्णु पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि यही कारण है कि गर्भ में पहुंचकर जो जीवात्मा जैसा चिंतन करती है, शरीरधारी मनुष्य वैसे ही जन्म लेकर बालक, युवा और वृद्ध होता है। गर्भ में सोची गई बात सांसारिक व्याह मोह के कारण विस्मृत हो जाती है। इसी कारण आपको पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। पूर्व जन्म में कुछ भी याद न रहे, इसी कारण हिंदू धर्म में कपाल क्रिया भी की जाती है। जो कैसे करते हैं ये आप अगर जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में हमें अवश्य बताएं। इसमें शव को मुखाग्नि देने के करीब आधा घंटे बाद एक बांस में लोटा बांधकर शव के सिर पर घी डाला जाता है, जिससे पूरा सिर जल जाए। मित्रों, ऐसा भी मानते हैं कि अगर ये कपाल क्रिया न की जाए
तो अगले जन्म में पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। वैसे तो वैज्ञानिकों के बीच आत्मा और पुनर्जन्म जैसे विषय को लेकर मतभेद है। जहाँ एक पक्ष पिछले जन्म को सिरे से खारिज करता है, वहीं एक पक्ष आत्मा को एक ऊर्जा के रूप में स्वीकार करता है। उसके मुताबिक पिछले जन्म की बातें याद न रहने का एक केमिकल कारण है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं।